मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भरी सभा में किसी शख्स ने जूता फेंक दिया। सीएम के ऊपर जूता उस वक्त फेंका गया जब वे सीधी मेघ सभा को संबोधित कर रहे थे। ये देखिए शिवराज पर कैसे पड़ा जूता। फिर से देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर भाषण दे रहे थे और अचानक से एक जूता उनकी तरफ जोर से फेंका जाता है। हालांकि इतनी खैर रही कि जूता सीएम शिवराज सिंह चौहान को नहीं लगा। घटना के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ समय के लिए चुप हो गए और उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षा घेरे में घेर लिया। शिवराज ने इस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन करणी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान आया है कि ये कांग्रेस ने नहीं, हमारे मायके लालों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जूता फेंका है। जूता फेंकने वाले SC ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पथराव के बाद अब उन पर जूता फेंका गया है। नेशन लाइव के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए नेशन लाइव IPTV को सब्सक्राइब करें।